राज्य विधानसभा चुनाव में तुमसर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो गुटों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अजित पवार गुट के विधायक तथा अधिकृत उम्मीदवार राजू कारेमोरे और शरद चंद्र पवार गुट के पूर्व विधायक तथा अधिकृत उम्मीदवार चरण वाघमारे आमने सामने है। बुधवार 20 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब 23 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों को लेकर गलियों से मुंबई तक तरह तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में यह सट्टा बाजार में लगे सट्टे से भी भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। कई लोगों ने सट्टा लगाने की बजाय रेस लगाई है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 5 करोड़ का सट्टा लगाए जाने की जानकारी है। इस चुनाव में महिलाओं ने 73.24% वोट डाले हैं। इससे लाडली बहनों के वोटिंग से चुनाव का परिणाम बदलेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। चार ग्रामीण क्षेत्र में दोनों उम्मीदवारों को समान वोट मिलने की चर्चाएं शुरू है। ऐसे में तुमसर और मोहाड़ी शहर में किसको अधिक वोट मिलेंगे, इस पर चुनाव का परिणाम निर्भर है। दोनों के गृह ग्राम में भी कांटे की टक्कर होने की चर्चा शुरू है।